कि अनुज की पहली फिल्म रिलीज होने वाली है, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक पहुँचेंगे, किस तरह आप उन्हें विश करेंगी? मैं अपनी दिल से उन्हें कंग्रेचुलेट कर रही हूँ, मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक्टर चाहता है कि वो बड़े पर्दे पर काम करे, और अगर सही मौका मिले तो ज़रूर काम करना चाहिए। अनुज मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों में से है, इसलिए मेरी सारी दुआएं, सारी विशेज, सब कुछ उसके साथ है, एंड आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म एंड मेनी 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 मोर फिल्म्स। जूही परमार को कब देखेंगे बड़े पर्दे पे? जब मुझे मेरे लायक कोई रोल मिलेगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये फिल्म करने लायक है, तब आप ज़रूर देखेंगे। उसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कुछ? नॉट रियली, मतलब इस वक्त मेरा कमिटमेंट जो है कुमकुम के साथ वो इतना है कि शायद मैं जितनी ज़रूरत हो उतना वक्त दे भी ना पाऊँ, लेकिन अगर सही रोल ऑफर हुआ जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, जो जो मेरी नज़र में इट शुड बी वर्थ इट, तो मैं ज़रूर करूँ। वो क्या होगा? एक एक्टर कभी एक कोई पर्टिकुलर रोल को डिसाइड नहीं करके रख सकता है कि ये होगा। जब आप एक स्टोरी सुनते हैं, कैरेक्टर सुनते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यार ये करूँगी अगर मैं तो मैं एक्साइटेड होंगी, ये करूँगी तो ये इंटरेस्टिंग है, या मैं एज एन एक्टर से अच्छी तरह से कर पाऊँगी। तो कोई एक किरदार आप मन में अपने विजुअलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने लिए किरदार नहीं सोच सकते, ये प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का काम है। जब एक डायरेक्टर एक स्टोरी लेकर आते हैं, एक राइटर एक स्टोरी लेकर आते हैं, तो वो एक किरदार बनाते हैं जिसमें आपको फिट होना होता है। जी, फेम आपके लिए क्या है? फेम एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, क्योंकि जब आप सड़क पर चलते हैं और लोग आपको जानते हैं, आप नखाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, तो आपको वो अपने से एक ऊँचे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं। हम सब एक है, एक्टर बन जाने पर पंख नहीं निकल आते, मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आपको रोज़ देखते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, आज फिर भी करोड़ों लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, और ये सब इसी वजह से है कि मैं एक एक्टर हूँ, और एक एक्टर होने के साथ साथ फेम आता है। लेकिन फेम को मेंटेन करना और टू कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जूम एक साल कम्प्लीट कर रहा है अभी, उसके लिए जूही परमार की तरफ से एक विश चाहिए। जस्ट लुक एट द जूम मैंने काफ़ी बार देखा है, और मेरे ख्याल से काफ़ी एंटरटेनिंग चैनल है, इसमें टेलीविजन, फिल्म, सबकी गॉसिप, मसाला, खबरें सब मिलती हैं। तो आई थिंक यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस फॉर वन ईयर, एंड आई होप यू कंप्लीट मेनी मोर ईयर्स।